नमस्कार, मैं डाइटिशियन चारू शर्मा। मुझे इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए 15 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं मोटापे पे। मोटापा, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक गंभीर समस्या है। ये ना सिर्फ आजकल बड़ों में बल्कि बच्चों में भी पाया जाता है। मोटापा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप सही समय पर नहीं खा रहे, अगर आप सही मात्रा में खाना नहीं खा रहे, अगर आप सही चीज़ें नहीं चुन रहे खाना खाने के लिए, या अगर आप कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कि आप वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग इत्यादि, अगर आप इस सब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या किसी भी कारणवश अगर किसी को कोई समस्या है, कोई डिजीज़ है, तो उस कारण मोटापा बढ़ सकता है। जहाँ तक बात है डिजीज़ की या कोई भी समस्या होने की, तो वो एक अलग विषय है। पर जब हम बात करते हैं खाने पीने की, तो उसमें हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। खास करके जब आप चाहते हैं कि आप अपनी लेटर स्टेजेस में लाइफ के, अगर आप आगे की स्टेजेस में सेहतमंद जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जीना चाहें, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि आप खाना सही चुनें, ठीक समय पर खाएं, ठीक क्वांटिटी में खाएं। अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, या अगर आप गलत टाइम पे खाते हैं, उसको ठीक से नहीं चबाकर खाते, तो मोटापा बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। जब हम बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तो पहले हम देखते हैं कि आजकल के टाइम में फास्ट फूड यानी कि कन्वीनियंस फूड्स का टाइम हो गया है, जिसको देखिए आजकल बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच, ये ज़्यादा प्रेफरेंस है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि मैदा, चीज़ इत्यादि, और सब्जियों की मात्रा कम है। पर जब हम देखते हैं घर का बना हुआ खाना, ताज़ा बना हुआ खाना, तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको रोटी, अनाज जैसे कि चावल, दाल, सब्जी इत्यादि रहता है, वो बेटर है। पर अगर हम बात करते हैं कि कितनी मात्रा में खाना चाहिए और क्या हमें चुनना चाहिए ताकि हमें मोटापा कम से कम रहे, तो प्लीज़ खास करके इस बात का ख्याल रखें कि अपने खाने में सब्जी की मात्रा, फल की मात्रा, दालों की मात्रा, ये ज़्यादा रखें। क्योंकि अगर आप अपने खाने में अनाज की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश करें कि उसको आप कम करें और अपने खाने में सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखें, ताकि आपको कैलोरीज कम मिले पर आपका पेट हेल्दी तरीके से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपना ध्यान रखिए मेटाबॉलिज्म का, यानी कि आपके शरीर की एनर्जी बर्न करने की क्षमता का। अगर आपकी एनर्जी बर्न करने की क्षमता कम है शरीर की, तो आपको स्थूलता यानी कि आपको मोटापा जल्दी आएगा। उस कारण से, उससे बचने के लिए आप कोशिश ये करें कि जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा दालें, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन, फिश या अंडा, अंडे की सफ़ेदी खास करके, और आप सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। फल आप दिन में 2 से 3 ले सकते हैं। कोशिश करें रंग बदल बदल कर सब्जियों का और फलों का सेवन करें। जहाँ तक आपके रेड मीट की, यानी कि आपके कोई भी मटन है या आपका लैम मीट है, उसको आप कम से कम रखें। कोई भी फ्राइड चीज़ें हैं उनको कम से कम रखें। मीठी चीज़ों को कम से कम आप सेवन, मीठी चीज़ों का सेवन कम से कम करें, ताकि आपका मोटापा कम से कम रहे, आपका शरीर ज़्यादा फिट रह सके। जब आप देखते हैं सर्दियों में, हमारा खाना पीना थोड़ा सा अलग हो जाता है। सर्दियों में क्योंकि हमारे शरीर की एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ना चाहते हुए भी इनवॉलंटरी फंक्शंस जो रहते हैं बॉडी के, जैसे कि आपके दिल का धड़कना, आपके लिवर का, आपके किडनीज का फंक्शन करना, आपके लंग्स का फंक्शन करना, इन सब में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण हमारी एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है शरीर में, जो हम नहीं समझ पाते, और इस कारणवश हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब आप सर्दी के टाइम में खाना एक तरफ ज़्यादा खाते हैं, दूसरा आपकी एक्सरसाइजेस कम रहती हैं, आप चलना फिरना कम से कम प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं एक जगह बैठे रहें, जिसके कारण बॉडी में कैलोरीज इकट्ठी होती रहती हैं। तो कोशिश करें ऐसे समय पर आप अपने खाने को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि आपने प्लेन राइस ना खा के आप ब्राउन राइस, जिसमें कि राइस की मात्रा कम और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रोटी बनाते हैं, तो रोटी में आप डिफरेंट उसके अंदर अनाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिर्फ गेहूं की रोटी ना बनाकर बाजरे की, रागी की, ज्वार की रोटी बना सकते हैं, खास करके उसमें भी सब्जियां मिला सकते हैं। सब्जियों के मिलाने से आपका फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है और कैलोरी पोर्शन कम हो जाता है। उसी तरह कोशिश करिए, जब आपका मीठा खाने का दिल करे, तो मीठे की जगह आप कोई फल खा सकते हैं, चाहे तो आप दही और फल को मिला के स्मूदी बना सकते हैं, चाहे तो आप कोई मिल्क शेक बना सकते हैं जिसमें कि आप चीनी ना डालें। जितना कम से कम आप
चीनी का उपयोग या जितना कम से कम आप तली हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे उतना आपका मोटापा कंट्रोल में रहेगा और उतने ज़्यादा सेहतमंद आप रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।